हर दोस्तों, मैं अभिषेक आपका सी निवासन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था, आज हम अपने एंशिएंट इंडिया की ओर चलते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया को। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको मैंने एंशिएंट इंडिया को क्लासिफाई करके बताया था, फिर भी हम आज एक बार फिर एंशिएंट इंडिया को बता देते हैं, जिसे हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में यानी प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमने सिर्फ फॉसिल्स या जीवाश्म या अवशेष मिलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें फॉसिल्स एवं स्क्रिप्ट मिलती है लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं और लिटरेचर भी है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है। तो हम एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक पीरियड को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल
बीस तक है। इसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। इसी काल में मनुष्य का आग से परिचय, परंतु प्रयोग से अनभिज्ञ था। वह आग लगाना तो सीख गया था, लेकिन उसने अभी तक आग का प्रयोग नहीं कर पाया था, इसलिए वह आग के प्रयोग से अनभिज्ञ था। प्रयोग से अनभिज्ञ अर्थात उसने आग का आविष्कार किया, लेकिन कोई भी प्रयोग नहीं किया। और इसी काल में उसने पत्थरों के औजार बताए, जैसे हैंड एक्सेस, स्क्रैपर, आदि। इसी काल में जो पत्थर के औजार बनाए, इनका जो साक्ष्य है हमें तीन जगह से प्राप्त होता है, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। इस काल के अंत तक आते आते मानव चित्रकारी भी करना सीख गया था, और इसी काल में चित्रकारी के साथ हमें अपने एमपी मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका गुफाओं में मिलते हैं। पुराण काल में हम लोग कई चीजें देखी, जैसे मनुष्य का आग से परिचय हो गया, लेकिन वो प्रयोग से अनभिज्ञ था। उसने पत्थर के औजार बनाए, जैसे हैंड एक्सेस, स्क्रैपर और क्लीवर्स। उसे पत्थरों के जो साक्ष्य हैं हमें, वह सोहन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी, और कहीं कहीं बोलन लिखा होता है, कहीं बेलन लिखा होता है, और नर्मदा नदी घाटी। इसी काल में हमें गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई, जो कि भीमबेटका गुफा भोपाल एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश, इतना तो सभी दोस्त मेरे जानते होंगे, कृपया आप नोट कर लीजिए। मैं एक सेकंड का टाइम देता हूं आपको, क्योंकि मैं इतना धीरे भी पढ़ाता हूं कि आपको साथ ही साथ शायद नोट करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल इसका समय 8000 BC से
4000 BC माना गया है लगभग। ये जितनी भी मैं लिख रहा हूँ 8000 से 4000 या 8000 से 8000, ये समय लगभग में होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली। मध्य पाषाण काल में इस काल में आपका प्रयोग करना सीखा था सर, आपका प्रयोग मानव करना सीख गया, आपका प्रयोग मानव करना सीख गया। आपका प्रयोग मानव करना सीखा इसी काल में सर्वप्रथम मानव ने पशुपालन किया। इसी काल में आपका प्रयोग मानव ने करना सीखा, इसी काल में सर्वप्रथम पशुपालन करना सीखा। पशुपालन का सर्वप्रथम एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन या पशुपालन प्रथम साक्ष हमें आदमगढ़ एमपी से मिलता है। आदमगढ़ एमपी से, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और ये होशंगाबाद जिले के पास पड़ता है। तथा सेकंड सबसे बड़ा पशुपालन का, इसी काल का पशुपालन का सेकंड जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ सबसे बड़ा, वो बांगरू राजस्थान जो कि भीलवाड़ा जिले के पास स्थित है। और इसी काल में हमें मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। काल में सर्वप्रथम इसी काल में मनुष्य को दफनाया गया। और दो महत्वपूर्ण जगह हमें यूपी में प्रतापगढ़ जिले में मिली है, सराय नहर और मेहदा। सराय नहर और मेहदा मैं ये आपको ऊपर से लिख देता हूं जिससे आपको बेटर समझ में आए, ऊपर वाला आपको वहां नहीं दिया होगा। सराय नहर और मेहदा आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ये ऊपर से स्टार्ट करता हूं। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो कंकाल के अवशेष मिले हैं वो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इस जो पाए गए वो सराय नहर में है और मेहदाब में। तो सराय नहर में सर्वप्रथम फर्स्ट एविडेंस
यहाँ जो है तो मानव बंगाल का जो अवशेष मिला है उसमें सिर में जो अपनी खोपड़ी होती है उसमें एक पाषाण का पत्थर घुसा हुआ मिला है। इससे पता चलता है कि ये किसी की हत्या की गई होगी, यानी जो सर्वप्रथम हत्या का साक्ष्य और जो प्रथम मानव बंगाल का साक्ष्य है हमें सराय नायक से मिलता है और मेहदाना में हमें स्त्री और पुरुष दोनों का इकट्ठे मानव बंगाल का दफन किया हुआ सब प्राप्त होता है, अवशेष प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों को इकट्ठे दफनाया जाता होगा। नदी की घाटी से प्राप्त हुए सर्वप्रथम इस काल में प्रथम साल 1860 ईस्वी में टोंस नदी की घाटी से प्राप्त हुई। यह टोंस नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसी काल में सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत, पूछा जाता है कृषि की शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम किन तीन फसलों की कृषि की शुरुआत हुई, तो मैं आपको बता दूं, जौ, गेहूं व कपास। तो सर्वप्रथम तीन फसलों का इस काल में फसल हुई, जौ, गेहूं, कपास।
और जो सर्वप्रथम जो एग्रीकल्चर का हमें साक्ष्य मिलता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य, बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ नामक जगह है जो कि अब पाकिस्तान में पड़ती है, मेहरगढ़। तो सबसे पहले फसल का जो सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि अब पाक में स्थित है, वह सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य हमें मिला। दूसरी बात जो हमें सर्वप्रथम चावल की खेती का साक्ष्य हमें अपने यूपी से ही प्रयागराज के पास यूपी से ही प्राप्त हुआ। प्रयागराज, इलाहाबाद, आज जो प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद था, तो प्रयागराज यूपी से प्राप्त हुआ। प्लीज आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। इसी काल में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, पहिए का। पहिए का आविष्कार पूछा जाता है कब हुआ, तो 1962 काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार जिससे पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किया गया। इसके अलावा इसी काल में कुछ मानव के अवशेष हमें दो जगह से प्राप्त हुए, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम गुफ्फर। तो बुरजहोम और गुफ्फराल दो अलग अलग स्थान हैं, लेकिन ये दोनों ही स्थान जम्मू और कश्मीर में पड़ते हैं। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में एक जगह है। इस जगह की महत्ता यह है कि इसी जगह सर्वप्रथम एक मानव के साथ कुत्ते का शव या कुत्ते के शव के अवशेष प्राप्त हुए। क्योंकि
कुत्ते के सबके अवशेष प्राप्त हुए सर्वप्रथम, तो यहीं से इतिहासकारों ने कहा कि कुत्ता ही वह सर्वप्रथम पालतू जानवर था जो मानव द्वारा पाला गया। आप समझ रहे होंगे। और इसी के बाद गुप्त काल में मानव अस्थियों का हड्डियों से अवशेष प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने ये लिख दिया हो, नहीं लिया तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, तो आप 2 मिनट में देख लीजिए। हमें मिट्टी के बर्तनों के साक्षी मिले, बर्तनों के साक्ष मिले। ओके, कोई पूछेगा आपको फर्स्ट पेट एनिमल कौन था, तो आप बता सकते हैं कुत्ता था। किस जगह पे मानव और कुत्तों के साथ में अवशेष पाए गए, तो बुर्जुआ में। और सर्वप्रथम मिट्टी के जो पॉट्स हैं, घड़े हैं या बर्तन हैं, कहाँ पाए गए, तो वो भी बुर्जुआ में पाए गए। अब आते हैं हम एक महत्वपूर्ण स्थान और मिला आपके कंकाल अवशेषों का, हड्डियों का, बिहार में श्राम, श्राम नामक स्थान पर। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा मनुष्य के अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो श्राम में मिले हैं, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के सारण जिले के पास है। यहां प्रचुर मात्रा में हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। श्राम से हड्डियों के अवशेष, मानव हड्डियों के पिछले मात्रा में अवशेष और हृदय के सीमों से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में अगर पूछता है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कर्नाटक के वेल्लोरी स्थान से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के वेल्लोरी, वेल्लोरी स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहां की काय थी राख के टीले पाए गए थे, जिसमें बताया जाता है कि जो अवशेष मिले हैं वो मवेशी बाड़ों के, यानी किसी टाइप में काफी मवेशी एक साथ जले होंगे तो उनके अवशेष यहाँ पाए गए। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो अवशेष हमें पाए गए वो कर्नाटक के बेल्लोरी स्थान पर है।
और नॉर्थ इंडिया में बात की जाए तो अपने बिहार में सर्वाधिक पाए गए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इट्स इंपोर्टेंट। वैसे मैं जो भी आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ वो हर कंपनी से लेवल के हिसाब से महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सफिशियंट भी। अब इसी कार्ड के अंतिम चरण में लगभग जब 3000 से 2020 का जो टाइम आया उस वक्त मैंने तावे की, इस वक्त जो 3000 से 2020 का टाइम आया तो मानव ने तांबे की खोज कर ली। उसे तांबा मिल गया और इसी काल को कॉपर एज या ताम्रुग कहा गया। इसी काल के अंत में 3000 से 2000 बीसी तक तांबे की खोज की और मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह थोड़ा नपाषाण काल आते आते काफी विकसित हुआ। उसने तांबे के बर्तन आदि धातु वगैरह हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। तो वही काल इतिहास में कॉपर एज या ताम्रयुग के नाम से जाना गया। आप लोग लिख सकते हैं लगभग 1856 सन 1856 जब हमारे देश का वायसराय लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था तब तक यह कोई नहीं जानता था कि हमारे नवपाषाण काल के एंड और सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी पहले भारतीय इतिहास में हुआ करती थी। लेकिन 1853 में सबको पता है 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में ट्रेन की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत की। सोलह अप्रैल 1853 में इंडिया में ट्रेन की शुरुआत हुई
जहां मुंबई अखाड़े चलाई गई और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, क्योंकि जब 1853 में ट्रेन चलाई गई उसके बाद और विकास हुआ, ट्रांसपोर्ट और भी काफी इंफॉर्मेशन देने और यातायात के लिए सामान को बिजनेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए ट्रेन की इंडिया में शुरुआत की। और 1856 में जब लाहौर से कराची जो कि अपनी पाकिस्तान में स्थित है, ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए काम चल रहा था, तभी वहां कहीं खुदाई हुई तो कहीं कहीं छोटे मोटे अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही लॉर्ड डलहौजी को पता चला, उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन वहां कुछ एक हमारे प्राकृतिकविद थे अंग्रेजों के, अलेक्जेंडर कनिंगम, साहब ने खुदाई करवाई और कई जगह धीरे धीरे टीले उठाए तो उन्हें काफी अवशेष मिले। इन्होंने आगे खुदाई सुचारू रूप से चालू करने के लिए लॉर्ड डलहौजी से बात की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसकी कोई चर्चा नहीं की, ना ही इनको कोई आदेश दिया। लेकिन क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ने सबसे पहले अवशेषों का साक्ष्य प्राप्त किए या इनको ढूंढा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारत का पुरातत्व क्षेत्र का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाता है हु इज अ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम।
एक और वायसराय भारत में था जो कि स्वयं एक पुरातत्वविद था और भारत का सबसे बदनाम वायसराय हुआ, जिसने बंगाल का विभाजन भी करवाया था, जिसे हम लोग लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं। तो बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी आर्कियोलॉजिस्ट, तो उसने 1905 में एक एएसआई आर्कियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कराई भारत में लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो
इस सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन धीरे धीरे और इस घाटी में खुदाई हो रही और जगह मिलती गई और इस सभ्यता से मिलते मिलते ही साक्ष मिले, लेकिन वह सिंधु नदी घाटी में नहीं थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कह करके हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो हमको शहर मिला था 1921 में वह हड़प्पा मिला था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसी काल में तांबे का उपयोग करके यहाँ की सभ्यता ने कॉपर का उपयोग करके उसने टीन बना करके कांसे का निर्माण किया, इसलिए इसी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कास्ट बुगीन सभ्यता भी कहा गया। तो आज हम लोगों ने आपने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री में प्रीहिस्टोरिक पीरियड खत्म कर लिया है और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की है, शुरुआत देखी हमने कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, कल हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आगे का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।